हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब बढ़िया होंगे। और इसी के साथ मेरा एक नया वीडियो, मैंने अभी गोवा की वीडियोस डाली है। काफी लोगों ने, मतलब काफी लोग अच्छी लगी वीडियोस मेरी। और तो गाइस, मेरी वीडियोस थी, मतलब फोन पे सारी गोवा की वीडियोस थी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई यार। मतलब बुरा लग रहा है इस बात का कि मेरी वीडियोस थी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। और अभी हम गए थे, गांव भी गए थे, वहां की वीडियोस ही बनाई थी यार मैंने। मतलब सारी वीडियोस डिलीट हो गई, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा यार। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे को उसका बैकअप करना चाहिए था। वो बैकअप मैंने, मुझे लगा कि दिमाग में कुछ नहीं था, बस ये था कि फोन हैंग हो रहा है और करो, तो मेरी सारी वीडियोस डिलीट हो गई। तो ये मेरी अभी गोवा की, मेरी आई थिंक मेरी भी लास्ट वीडियो है। बट हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि जो वीडियोस मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी, अभी रील्स और इसके लिए, तो मैं उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा काम गए थे क्या हमने किया। बट मेरी को सारी वीडियोस डिलीट हो गई यार फोन से, बहुत दुख हो रहा है यार। मतलब इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई थी मैंने। तो मैं अपना जो भी मेरा काम है, मतलब वीडियोस का, वो मैं अपने ही फोन से बनाता हूँ, ताकि मैं, मेरे को इजीली, मतलब अपलोड करने में, एडिट करने में वो लगे। तो मैंने वो सारी वीडियोस बनाई थी अपने फोन से, बट वो सारी वीडियोस बच गई। तो किसी बात का हो रहा है, बार बार इस बात का हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं आ रखा हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव में अभी, मतलब अभी फिलहाल अभी जो कजन्स हैं प्रियंका के, वो अभी यहाँ पे रूम देखने आए हैं पीजी, शायद अभी उनकी यहाँ जॉब लगी है, तो चक्कर में भी आया उनके साथ अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम है, मतलब पीजी में रूम नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये है उद्योग विहार, उद्योग विहार का फेज 4। तो मैंने फिर अभी यहीं पर ही आया हूँ। कल भी आया था, कल पूरा, कल तो मतलब पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम था। मतलब पूरा ट्रैफिक, मेरी हालत बुरी हो गई, मैं जाते सो गया था। तो फिलहाल अभी दोबारा आया हूँ, अभी आज संडे है, तो मैंने बस अभी चाय पी के बस वेट कर रहा हूँ उनका। फाइनल होता है तो रूम तो आपको दिखाऊंगा। जो लोग, मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मतलब रूम्स कहाँ मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं वो दिखाऊंगा रूम, कैसे रूम है, क्या है, और स्टेयरिंग कितने का है, और वैसा कि आप अगर अपना पर्सनल रूम लेते हैं तो क्या प्राइस है। बस सुबह आओ, और सुबह आने के बाद आप दोपहर तक फिर जो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है गुड़गांव में भाई, इतना ट्रैफिक। ओ माई गॉड, मैं 3 घंटे लगे हैं उस ट्रैफिक से निकलने में, 3 घंटे। तो फिलहाल अभी मैं जस्ट अभी जल्दी से आया हूँ अभी फिलहाल। तो मैं यहाँ से अभी 2:40 हो रखे हैं, 2:40 के बाद यहाँ से मैं 5-4 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, निकल जाऊँगा। फिर हम जाएंगे मॉल, आपको बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। मैंने अभी गोवा की जितनी वीडियोस बनाई हैं, वो सारी की सारी वीडियोस मेरी डिलीट हो गई यार। बस दुख इस बात का, हिमाचल की और उत्तराखंड की सारी वीडियोस थी मेरी, वो सारी डिलीट हो गई। तो इसी के साथ यहाँ पे अभी मतलब ट्रैफिक लगना भी चालू हो जाएगा 4 बजे के बाद, तो भाई पूरा रश हो जाता है उद्योग विहार में। तो मैं जल्दी कह रहा हूँ कि बुक करो, और बुक करने के बाद जल्दी से फाइनल करो। और 1 तारीख से उनको शिफ्ट करना है, तो 1 तारीख से फिर अपना आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे लोग सोच के आ रहे हैं कि मतलब मेरा 10,000 रुपये बजट है, तो 10,000 में तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 14-15,000 में आपको शेयरिंग रूम मिल जाएगा। और जब बजट मेरे को पता है अभी रूम का, वो बता रहा हूँ आपको। और जो रूम, मतलब जैसे आप आ रहे हो, क्या बोलते हैं, मतलब सिंगल रूम के लिए आ रहे हो, तो सिंगल रूम जो प्राइस है वो 24,000-25,000 ऐसे आसपास है सिंगल रूम का। तो उनको सिंगल रूम ही चाहिए, अपना पर्सनल रूम चाहिए, तो वो भी देखने गए हुए हैं। मेरी तो भाई सुबह से थकान नहीं हटी है भाई। मैं मतलब 11 बजे उठा, 11 बजे उठ के सीधा खाया पिया, और जलेबी दाल, भाई जलेबी दाल इतनी अच्छी, फेमस मुरादाबाद की थी, मैंने वही खाई, मेरा पेट फुल है अभी, बहुत जलेबी दाल खा ली मैंने। गाइस, मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो पे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसे रूम्स हैं, क्या हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। और तब आप डिसाइड करना कैसा प्राइस है, कैसा प्राइस हमको मिला है अभी रूम का यहाँ पे पीएजी का, और उसका कैसा मतलब है, तो आपको बताएंगे उस टाइम पे। तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं थोड़ी देर सोता हूँ, उनको टाइम लगेगा अभी 1-2 घंटा, तब तक मैं सोता हूँ आराम से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।